डिग्री के टेम्परेचर में जींद से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जो हरियाणा भवन दिल्ली पहुंचे हो, ये कहने की बात है पैदल यात्रा, लेकिन आप लोग जानते हो कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर पैदल चलकर और यहाँ तक अपनी समाज की सभी जायज मांगों को यहाँ पहुँचाने के लिए साथी यहाँ पर आए हो। दूसरा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और पूरे भारत के, हरियाणा सहित पूरे भारत के जितने भी दलित एमपी और एमएलए से उनको डूब के मर जाना चाहिए कि उनकी बहन बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। गैंगरेप करने के बाद उनका कत्ल किया जा रहा है, कत्ल करके उनकी लाशों को नहर में फेंका जा रहा है और FIR तक दर्ज कराने के लिए आप लोगों को 150 किलोमीटर दूर पैदल आना पड़ता है, डेड बॉडीज के साथ धरना देना पड़ता है। साथियों, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना सही चाहिए। साथियों, आप लोगों ने पता है पिछले 100 दिनों से भाई दिनेश खापड़ पहले एक बार 25 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं और पिछले एक महीने से हमारे ताऊ प्रीति सिंह जी, मैं इनको सलूट करता हूं, इतनी उम्र में भी पिछले 30 दिनों से भूख हड़ताल पर है। दिनेश खापड़ के साथ दोनों के दोनों भूख हड़ताल पर है। साथियों, ये सरकार ये ना सोचे कि हम यहाँ से ज्ञापन दे के चुपचाप बैठ जाएंगे। साथियों, आने वाले टाइम में हमारे समाज के साथ अत्याचार बंद नहीं हुए और ये जो हमारी मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई, तो अब यहाँ से जाने के बाद हम सभी के सभी लोग, आप लोग भीड़ नहीं हो, इस भीड़ का एक एक आदमी एक एक लीडर है। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने अपने घरों पे जाकर, हर गांव में जाकर, ब्लॉक में जाकर, तहसील में जाकर लोगों को मोबिलाइज करो, लोगों के बताओ कि ये मोदी जो है विदेशों में जाके भगवान बुद्ध का और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर ये माला चढ़ाता है और यहाँ पर बाबा साहब के वंशजों का कत्लेआम करने का काम कर रहा है और इसके जो चेले चपटे हैं, खट्टर पट्टर जितने भी सारे के सारे, और ये सारे हमारे लोगों को मरवाने का, उनकी इज्जत लुटवाने का काम कर रहे हैं। साथी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग इस काम को पूरा करने के बाद हर शहर, गांव, मोहल्ले, तहसील में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सरकार इस तरह से काम कर रही है, दलित विरोधी काम कर रही है, महिला विरोधी काम कर रही है, अल्पसंख्यक विरोधी काम कर रही है। और आने वाले टाइम में हजारों की संख्या में हम ना हरियाणा भवन में नहीं आएंगे, हम इस बार सरकार के कान खोलने के लिए सात रेस कोर प्राइम मिनिस्टर के मोदी के आवाज को घेरने का काम करेंगे। साथियों, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा आप लोगों को इकट्ठा करने पड़ेंगे और वो काम हम करेंगे। साथियों, तो आज अभी जो हरियाणा भवन का जो आधिकारिक अधिकारी है, ऑफिसर, जो रेजिडेंट कमिश्नर है, उसको हम ज्ञापन देने का काम करेंगे और पहले भी सैकड़ों दफा हम अपने मांगों का चार्टर जो है सारा का सारा इनको दे चुके हैं, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, इस बार भी नहीं होगा, ये भी हमको पता है। लेकिन हमको अपनी थोड़ी सी रणनीति बदलनी पड़ेगी और अपनी संख्या में और इजाफा करना पड़ेगा ताकि सरकार पर हम और अच्छे तरीके से प्रेशर डालने का काम कर सके। सर, और 17 साल पहले भी यही हमारे आदरणीय ताऊ प्रीति जी अपनी मांगों को लेकर जो दलितों पर एट्रोसिटी होती थी 29 दिन की पूर्व में 17 साल पहले भी भूख हड़ताल कर चुके हैं। आज भी जो दलित समाज पर एट्रोसिटी हो रही है उनको देखते हुए ताऊ प्रीति ने फिर दोबारा कदम उठाया और आज 31वां दिन है, लेकिन जवानों से जैसी पावर आजमीर के अंदर मौजूद है, लड़ रहे हैं सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर के। तो साथियों, इतनी दूर हमें आना पड़ा उसका कारण है क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो दलित पीड़ित परिवारों की जो मांगे थी, जो जायज मांगे थी और मंजूर करी हो जो मांगे थी, उन मांगों की अनदेखी की, बार बार वादा खिलाफी और विश्वासघात किया, इसलिए मजबूरी में आप लोगों ने इतनी भारी गर्मी होते हुए भी 4 दिन की पैदल यात्रा करके आप यहाँ पहुँचे हो, इस सरकार को, हरियाणा सरकार को जगाने के लिए और दिल्ली सरकार को ये बताने के लिए कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक इन सारे पीड़ित परिवारों की मांगे पूरी नहीं होगी हम अपनी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।
आज हम ज्ञापन देके यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, और भी लंबे संघर्ष के साथ हम दोबारा आएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। 2019 में इसी सरकार को अगर हरियाणा के अंदर को हराने का काम करेगा तो यही दलित समाज करेगा। साथियों, मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूँ, हमारे फौजी भाई हमारे बीच में खड़े हैं, मीडिया हमारे बीच में खड़ी है कि हमारी मजबूरी यहाँ क्यों आने की क्यों हुई, और कौन से ऐसे दलित पीड़ित परिवार है जो अपनी मांगों को लेकर के जींद में 111 दिन से धरना लगाए हुए हैं। तो साथियों, ऐसे तीन शहीद परिवार, शहीदों के परिवार, जो 2-3 साल पहले हमारा छात्र गांव का एक भाई शहीद हुआ था और उसकी शहादत को बीजेपी ने जाति के आधार पे तोल दिया, वो भी देश के लिए शहीद हुआ था, आज तक उसके परिवार को ना नौकरी दी गई है ना उसके नाम से स्मारक पार्क बना गया है। और दुख की बात है साथियों, जिस गांव से वो हमारा शहीद भाई बिलोंग करता है, उस विधानसभा से चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ दिल्ली के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है, इस्पात मिनिस्टर है वो, उसकी घरवाली वहाँ उचियाणा विधानसभा से MLA है, बावजूद इसके आज तक उस शहीद के परिवार को नौकरी नहीं दी गई, ना उसके नाम से स्मारक बनवाया गया। उसी तरह हमारा एक भाई यहाँ दिल्ली के अंदर जो फौजी रामकिशन गरेवाल था, उसने दिल्ली के अंदर इन फौजी भाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन मामले में सुसाइड किया था, और इसी हरियाणा गवर्नमेंट ने और दिल्ली के कुछ मिनिस्टरों ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उसके घर पे जाके आश्वासन दिया था और मांगे मानी थी कि नौकरी देंगे और इसको शहीद का दर्जा दिलाएंगे, अन्य और भी जो मांगे थी, आज तक उसके परिवार की सारी मांगे पेंडिंग पड़ी है। उसने भी अपने फौजी भाइयों के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन सरकार ने 1.5 साल हो गया, आज तक उसके परिवार की सारी मांगे एजिटेट पेंडिंग पड़ी है। 1985 में हमारा एक शहीद, हमारे सम्मानित साथी, 1985 में ड्यूटी के दौरान जब शराब के तस्करों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके पर वो शहीद हो गए, और जब उसके परिवार में एक ही लड़का था जिसकी उम्र 1.5 साल थी, तो सरकार ने लिखित में सारी मांगे उस परिवार की मानी, लिखित में उसके परिवार वालों को दिया कि जैसे ही आपका लड़का जवान होगा इसको नौकरी दी जाएगी, और अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मांगे होंगी, वो जो सुविधाएं होंगी वो आपको दी जाएंगी। लेकिन सर 1985 से लेकर आज तक वो परिवार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़का 18 साल का भी हो गया, आज 25 साल का भी हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन आज तक उसके परिवार की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। इसी तरह रेप पीड़िताओं के जो परिवार हैं, जासा परिवार जो लड़की का गैंग रेप कर करके मार दिया गया दिल्ली में, जो निर्भया से ज़्यादा दरिंद की लड़की के साथ की गई थी, वो आज तक उसके परिवार पर जो CBI की जांच थी, मांग थी, वो आज तक वो भी पूरी नहीं की गई। इसी तरह आसन गांव में हमारी एक बहन की जो डिमांड, जो बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है, परिवार के लिए आर्म लाइसेंस नहीं बनवाए गए हैं, और जो CBI की जाँच थी उसके समय वो भी आज तक पूरी नहीं करवाई गई है। तो आज जो हमारा भाई एक और जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हालूवास से जो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसका चाचा जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर 3 बार अटैक हो चुके हैं, वो बार बार हरियाणा सरकार से, भिवानी प्रशासन से मांग कर रहा है कि मेरे को सुरक्षा दी जाए, मेरे को आराम से दिए जाए, लेकिन 2 साल से वो, आज तक उसके ऊपर 4 हमले हो चुके हैं और पता नहीं किस हमले में वो मारा भी जाए। तो साथियों, ये सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, जींद में आप ही के समाज के कितने ईमानदार आदमी ने सुसाइड करना पड़ा इस भ्रष्टाचारियों के कारण, क्योंकि जींद का DC उस केस में इन्वॉल्व था, जींद का DFSC उस केस में इन्वॉल्व था, वो कॉन्ट्रैक्टर उस केस में इन्वॉल्व था, और उनको सपोर्ट करने वाली चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में बैठी उनकी बुआ जो उनको पूरे मामले में सपोर्ट कर रही है। अगर आज उस केस की CBI से जाँच कराई जाए तो जींद का DC जो तत्कालीन DC था वो भी जेल में जाएगा, DFSC भी जेल में जाएगा, वो ठेकेदार भी जेल में जाएगा, और जिस SHO ने 5 लाख रुपये रिश्वत लेकर के उस ईमानदार कर्मचारी को झूठे केस में फंसा था, वो भी जेल में जाएगा अगर उस केस में CBI जांच हो जाए। तो जब सरकार ने वो सारी मांगे माननी थी, तो क्यों सरकार 1.5 साल से उस सारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है? तो ये जितने भी दलित परिवार जींद में बैठे 111 दिन से, आज इनकी दिल्ली आने की मजबूरी इसलिए बनी क्योंकि अभी 26 और 27 मई को उसी हरियाणा सरकार का वो बेशरम मिनिस्टर खट्टर जींद में आया हुआ था, उसी खट्टर ने 7 मार्च को सारी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जब जींद में वो आया 26 और 27 मई को, तो उसने पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मना कर दिया, इसलिए पीड़ित परिवारों में आक्रोश के कारण वो पैदल मार्च करने के लिए दिल्ली में मजबूर हुए। इस BJP सरकार के कारण ये देश के अंदर जो आज BJP के आने के बाद जो दलितों पर एट्रोसिटी बढ़ी है, जो SC ST Act को खत्म किया गया है, जो 2 अप्रैल को लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जो युवाओं की गिरफ्तारियां हुई है, हमारी ये भी मांग है दोनों हमारे मांग पत्र में। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है और मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज इस केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मांगे, जितनी भी दलित पीड़ित परिवार की मांगे हैं, वो पूरी कर दी जाए, अन्यथा 2019 में हरियाणा में BJP सरकार आने वाली नहीं है। साथियों, तो आप लोगों इतना लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, आपको मैं दोबारा से सल्यूट करता हूँ, और इस प्रशासन को और इस केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आज हम यहाँ ज्ञापन देने के बाद अपनी लड़ाई आगे जाकर भी जारी रखेंगे। सलाम साथियों आपसे।